आगे बढ़ते हैं। एक कन्वर्जन हो गया कैर वाला, अब बात करते हैं नंबर से, क्या कैर हो सकता है, नंबर से कैरेक्टर हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या नंबर से डेट हो सकता है कभी? अगर किसी कॉलम में वैल्यू 4, 5, 6 लिखी हुई है, मैं उसको किसी भी तरीके से डेट फॉर्मेट में बना सकता हूँ? तो आंसर है मेरा नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी न्यूमेरिक वैल्यू को मैं डेट बना दूँ। तो ये कन्वर्जन किधर से किधर को हो सकता है, किस डायरेक्शन में ये चल सकता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कन्वर्जन मेथड मेरा नंबर से कैर हो सकता है, कैर से नंबर हो सकता है, बट नंबर से डेट नहीं हो सकता। बेसिकली कैर वाला तो मेरा दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, डेट में भी नंबर में भी, लेकिन नंबर वाला मेरा दोनों में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखने की है। तो डेट में नंबर वाला वैल्यू कभी भी डेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? नंबर से कैर कैसे हो सकता है, सिंपली है, मैंने आपको मेथड अभी ऊपर लगा के दिखाए थे, वही एग्जांपल है, तो ये आप करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, डेट का कन्वर्जन, डेट को कैरेक्टर बना सकता हूं, कोई इशू नहीं है, बट डेट को नंबर नहीं बना सकता, तो ये भी आपको आना चाहिए। डेट से कैर का कन्वर्जन तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा। ध्यान क्या देना है कि जब मैं डेट बना रहा था, डेट क्यों बना रहा था, कि कोई भी आने वाली वैल्यू डेट बन जाए, क्योंकि वो डेट के कॉलम में जानी है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं, समझने वाली चीज है कि किसी भी कन्वर्जन को कब यूज में लाना है, टू के कब लाना है, टू डेट कब लाना है, टू नंबर कब लाना है। जब किसी, आपको सबसे पहले पकड़नी है एंटिटी अपनी टेबल की, कि वहां का डेटा टाइप क्या है, वहां पर है मेरे पास डेट, तो कोई भी आने वाली वैल्यू को मुझे डेट में जब कन्वर्ट करना है, टारगेट क्या है, डेट में लाना, तब मैं टू डेट यूज करूंगा। जब टारगेट मेरा नंबर में ले जाने का है, तब टू नंबर यूज करूंगा। जब टारगेट मेरा कैरेक्टर में ले जाने का है, तब टू कैर यूज करूंगा, ठीक है? तो जो सोर्स है आपका, सोर्स नहीं सॉरी, जो डेस्टिनेशन है आपका, वो क्या है, जहां पे डेटा जाके गिरने वाला है, उसके हिसाब से आपको अपना कन्वर्जन मेथड चूज करना है, ठीक है? तो डेट से कैरेक्टर कैसे बन सकता है, सिंपल है, सिस डेट को कैरेक्टर में, कैरेक्टर आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, अपनी डेट को किसी भी लेवल पे कट कर सकते हो किसी भी तरीके से। एग्जांपल, मैंने बोला मेरे को बस मंथ और ईयर चाहिए, एक स्ट्रिंग बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये वैल्यू लिखी होगी इसको डेट बनाऊंगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है? मैंने बोला सिस डेट में से इस तरीके का ये एक मेथड बना दो आप, तो टू कैर में पास करने का तरीका है पैरामीटर के हिसाब से, आपको दो देना ही पड़ेगा। टू कैर में केवल सिस डेट दोगे तो देखो क्या होता है, टू कैर के अंदर केवल सिस डेट दे रहा हूं मैं, कुछ दे ही नहीं रहा हूं, क्या दिया इसने, सिंपल मेरे को डेट ही पास कर दी। टू डेट में अगर मैं सिस डेट देता हूं तो क्या होता है, डेट ही पास कर दी। तो जब तक मैं अपने कैरेक्टर के अंदर कैर की बात कर रहा हूं, टू डेट की बात ही नहीं करूं, क्योंकि सिस डेट तो ऑलरेडी डेट का ही पार्ट है, ठीक है? जब तक मैं कैर के अंदर डेस्टिनेशन नहीं देता हूं कि किस टारगेट में चेंज करना है, तब तक ये सिंपल डेट के तरीके से काम करता है, अल्टीमेटली काम नहीं करता, वो कुछ काम ही नहीं करता। अगर आप देखोगे तो उसने ट्रंक कर दी बस वैल्यू, इतना काम किया है, ठीक है? तो मुझे टारगेट बताना पड़ता है टू कैर के केस में, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप डेट निकालना है, मंथ निकालना है, मंथ डेट निकालना है, किसी और फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या निकालना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने तरीके ही दिखाए। यहां देखो डेट मैंने कैसे मोल्ड कर दिया, 25th of November लिख दिया है विदाउट यूजिंग एनी डैश, यहां डैश डाल दूंगा तो डैश भी आ जाएंगे, और इतना ही डैश डालना है, दूसरा डैश नहीं डालना है, वो भी आ जाएगा। जैसे आप अपने स्ट्रिंग को मोल्ड करना चाहो, क्योंकि अब ये कैरेक्टर बन के निकल रहा है, ठीक है? ये नीचे देखो कैपिटल डीडी से क्या होता है और स्मॉल डीडी से क्या होता है, ये भी देख लो, कुछ नहीं हुआ। 25th में छोटा टीएच लग गया, वहां पे बड़ा टीएच लगा हुआ था। यहां पे देखो
डीडी के साथ में एसपीटीएच लिख दिया अगर, फॉर्मेट है ये, मुझे भी याद नहीं रहेंगे, आपको भी नहीं रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होते हैं वो आपको हमेशा टिप्स पे रहेंगे, लाइक डीडी MON YYYY, ये हमेशा आपको याद रहेंगे। इससे क्या निकल के आती है वैल्यू, ये देखो, इसने मेरी न्यूमेरिक जो डेट थी उसको बना दिया क्या, वर्ड वाली डेट 25 नवंबर। ठीक है, तो तरीका है लिखने का। इसी चीज को कैपिटल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और क्या है, नीचे लिखा डीडी कैपिटल में, टीएच और ऑफ को डबल कोट्स में दिया, इससे क्या वैल्यू निकलती है वो भी देख लो, 25th of November। ये मेथड्स या ये कन्वर्जन आपको कब यूज में आएंगे, जब आपको रिपोर्ट पे, क्योंकि कई बार कोई आप प्रिंटिंग रिपोर्ट बनाते हो या वहां पर कोई कोई रिपोर्ट ऐसा दे दिया जिसमें आपको फिक्स फॉर्मेट लगाना है किसी भी चीज का, डेट में आपको कहीं पे या कहीं पे इस तरीके की कोई लैंग्वेज आप लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो किसी चीज में, वहां पे इस तरीके की डेट चाहिए, तो ये सारे के सारे कन्वर्जन मेरे तभी यूज में आते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है, ये मेथड भी दोस्तों आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, कई बार ये वाला मेथड भी यूज में आता है। ठीक है, तो जो यूज में आता है मैं उसको बिल्कुल बता रहा हूं, ये ऊपर जितने भी गए ये यूज में नहीं आते हैं। रेयर केसेस में आएंगे जब आप कोई डिजाइंड, कोई लेआउट या अपना डिजाइन बना रहे हो, या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के अंदर आपको ऐसा फिक्स फॉर्मेट लाना, तभी ये यूज में आएंगे, अदरवाइज नहीं। बट ओनली इतना डीडी MOM YYY ये बहुत यूज में आता है, और टाइम स्टैम्प के साथ भी यूज में आता है। कब आता है टाइम स्टैम्प के साथ, ये समझ लो, कई बार आपको बोला जाता है कि मुझे 12 तारीख में सुबह 6 बजे तक जो डेटा आया है उस डेटा पे कुछ कुछ इस तरीके के ऑपरेशन मुझे करने हैं, लेकिन 6 बजे तक ही, उससे ऊपर नहीं। तो आप जो अपना फिक्स फॉर्मेट दोगे वो अपना इस तरीके से कन्वर्ट करके, और वो इक्वल टू में वैल्यूज भी इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से पास करो। ठीक है, कोई बोलते 12 बजे तक AM में जो डेटा आया मुझे उस पर काम करना है, तो वो फॉर्मेट आपको इसी से पकड़ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है टू कैर, मंथ निकालना है, डेट निकालना है, इजीली आप निकाल सकते हो। मैंने बोला मेरे को मंथ बता दो, मैंने बोला मुझे इस तरीके से मंथ बता दो, किसी भी तरीके से। सबसे ज्यादा यूज फॉर्मेट जो है वो मेरे पास टू कैर के अंदर ही है। टू नंबर में 2-3 फॉर्मेट है फिक्स्ड है, टू डेट के अंदर और टू कैर के अंदर मेरे बहुत सारे मेथड। टू डेट में भी मेरे बहुत कम है, बहुत कम, चुनिंदा 3 से 4, लेकिन टू कैर में कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हो। ये देखो, मैंने केवल डेट निकाला, यहाँ पे मैंने केवल ईयर निकाला, किसी भी तरीके से अपनी चीजों को मोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर देखो डेट का फॉर्मेट ऐसा कर लिया, जैसा चाहो। तो ये मेरे कन्वर्जन मेथड से कन्वर्जन कब यूज में आता है, इजीली आपको पता भी लग गया होगा कि जब मुझे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट को चेंज करना है तब, या कई बार ज्वाइन लगाने में भी आपको एक कन्वर्जन मेथड यूज में आते हैं। कोई नेम है, नेम के अंदर मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 10, गौर से समझना, कमिट कर रहा हूँ अभी के लिए, कमिट कर दिया है। ठीक है, ये कमिट कर दिया, इसका सेलेक्ट देखते हैं, सेलेक्ट में कोई इशू नहीं आ रहा, और ये बट ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रिंग वाले ये करेक्टर टाइप का कॉलम है, ई नेम। स्ट्रिंग में मैं नंबर भी डाल सकता हूँ, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन नंबर में स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, ये बात मुझे अच्छे से पता है। अब देखो, अगर मैं इस वाली TL वाली टेबल का एम्प्लॉय नेम का ज्वाइन, क्योंकि एम्प्लॉय नेम में मेरी 10 वैल्यू है, इसका ज्वाइन ऊपर वाली टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से अगर लगाऊं, जहां पे वैल्यू 10 मेरी एग्जिस्ट करती है, ये कॉलम मेरा क्या है, नंबर, नीचे वाला ई नेम वाला कॉलम क्या है मेरा, कैरेक्टर। अब मैं आपको समझाने भर के लिए ज्वाइन लगा रहा हूं, क्या कि EMP टेबल A कॉमा XX EMP TL, ये दूसरी टेबल है B, वेयर ज्वाइन लगा रहा हूं। पहली वाली टेबल का क्या, DPTNO A.DEPTNO इक्वल टू दूसरी टेबल का ई नेम B.ENAME। क्या ये मेरा चल जाएगा, किसी को आइडिया क्या होने वाला है, कोई आइडिया?
शो करेगा ये, क्योंकि क्यों करेगा? सर हमारा डेटा टाइप डिफरेंट है, बिल्कुल सही, कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट दोनों कॉलम के डेटा टाइप डिफरेंट है। मैं देखो समझाने के लिए लॉजिकली DPTNO का DPTNO से लगना चाहिए, और वो क्यों चल जाता है, क्योंकि दोनों कॉलम्स के डेटा टाइप सेम है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नेम के अंदर 10 वैल्यू रखी है, पर यहाँ पे 10 है। मैं अल्टीमेटली ये चाह रहा हूँ कि 10 वाली वैल्यू का डेटा है वो मुझे मिल जाए, 10 वाले डिपार्टमेंट का डेटा मिल जाए। चला के देखता हूँ, इसने दे दिया, क्यों दे दिया भाई? क्या इनके ये लिटरल सेम है क्या? Ctrl F9, नंबर है डिपार्टमेंट नंबर। ओके, इसने क्यों दिया वो भी मैं समझ गया। एक वैल्यू इसको एडिट करते हैं, यहीं से डाल देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं। कुछ कुछ वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, तो इस पे मेरा बना हुआ है यूनिक इंडेक्स, तो ये 104 को कर लेते हैं, 5 10 को कर लेते हैं यहाँ पर मनोज, और वैल्यूज को सेम रहने देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कमेंट कर दिया, वैल्यूज हैं। अब चला के देखता हूँ, अब वैल्यू में एरर है। पहले क्यों नहीं एरर आया? पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि उस वाली टेबल में एम्प्लॉय नेम के अंदर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, और वो वैल्यू थी नंबर। बट अभी देखो एम्प्लॉय नेम के कॉलम में दो वैल्यूज मेरी एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी है नंबर वैल्यू भी है। ऑल्ट्रेशन हो या कोई भी काम हो वो तभी मेरा चल जाता है जब मेरा लॉजिकल डेटा भी मेरे साथ हो। अभी मैं ई नेम को अगर नंबर में चेंज करना चाहूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये कहेगा मनोज भी एग्जिस्ट करता है, आप इसको नंबर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्राई करके देखता हूँ। मैं बोलता हूँ इसको, ये कैरेक्टर तो है ही, मैं इसको 2 नंबर करने की कोशिश करता हूँ। आप चला के देखते हैं, अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि मेरा जो मनोज है वो मेरा यहाँ पर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो किस तरीके से मैं इसको लगाऊं यार, ये नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, ये तो मुझे पता पड़ रहा है कि नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो मुझे 10 की लेके आनी है कैसे भी करके। मैंने अपने इस वाले कॉलम को ही करेक्टर कर दिया। क्यों करेक्टर कर दिया? क्योंकि पहली वाले कॉलम में सारी वैल्यूज न्यूमेरिक है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, नंबर टाइप को सिंपली करेक्टर में कर सकता हूँ, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके की कैलकुलेशन, इस तरीके के ज्वाइंट्स में भी मेरे कन्वर्जन मेथड्स, कन्वर्जन फंक्शंस मेरे यूज में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक कन्वर्जन मेथड्स मेरे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।